नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक बार फिर दहला अमेरिका, गोलीबारी में 6 की मौत। राजधानी पुलिस ने किया न्यूज एंकर को गिरफ्तार। कांकेर की नई कलेक्टर बनी प्रियंका शुक्ला। अमेरिका में शिकागो के इलिनॉइज में सोमवार को हुई गोलीबारी में एक बार फिर से सभी को दहला कर रख दिया है। यहां हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान हुई गोलीबारी में 6 लोग की मौत हो गई तो वहीं 57 घायल हो गए। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि हमलावर की उम्र महज 18 से 20 साल के बीच है। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार उत्सव शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद एक बंदूकधारी ने एक दुकान की छत से परेड में गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस संदिग्ध हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें परेड के दौरान गोलीबारी होने के बाद लोग दहशत में भाग रहे हैं। एक परिवार फुटपाथ पर बैठकर परेड देख रहा है। अगले फ्रेम में वे जमीन में छलांग लगाते हुए और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान बंदूक की गोली चलने और चिल्लाने वाली आवाज सुनी जा सकती है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने किसी इमारत की छत पर गोलीबारी की। हाईलैंड पार्क के पुलिस कमांडर क्रिस ओ'नील ने लोगों से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को आग्रह किया। इस बीच अधिकारी संदिग्ध हमलावर की तलाश कर रहे हैं। जी न्यूज के एक बड़े पत्रकार को मंगलवार सुबह छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज एंकर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप है। रायपुर की सिविल लाइन थाना की पुलिस न्यूज एंकर रोहित रंजन के इंद्रापुरम स्थित निवास पहुंची थी। रायपुर की पुलिस को घर के बाहर खड़ा देखकर न्यूज एंकर ने अपने ट्वीट हैंडल से इसे ट्वीट भी किया। न्यूज एंकर के खिलाफ नोएडा में भी मुकदमा दर्ज था। नोएडा सेक्टर 20 की पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। टीवी चैनल के एंकर रोहित रंजन ने मंगलवार को सुबह 6:16 पर ट्वीट किया, छत्तीसगढ़ पुलिस स्थानीय पुलिस को बताए बिना मुझे गिरफ्तार करने के लिए मेरे घर के बाहर खड़ी है, क्या यह कानूनी रूप से सही है? रोहित रंजन ने इस ट्वीट को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी जोन लखनऊ को भी टैग किया है। कांकेर जिले के 20वें कलेक्टर के रूप में डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ने आज अपना कार्यभार संभाला। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला एमबीबीएस डॉक्टर और साल 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। बता दें कि कांकेर जिले के कलेक्टर का कार्यभार ग्रहण करने के पहले वो विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभाव मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संचालक आयुष, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ थी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रियंका शुक्ला ने कलेक्टर के विभिन्न कक्ष एवं कलेक्टरेट परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण भी किया है और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की होगी। मैं जो है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। इसको मैं एक ऐसे अवसर के रूप में देख रही हूँ जिसमें कांकेर ज़िले को आगे बढ़ाने में, शासन की प्राथमिकता की सभी योजनाओं को इस ज़िले में इम्प्लीमेंट करने में मैं अपने प्रयास जो है अच्छे तरीके से दे पाऊँगी। क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी मैम कांकेर जिले? प्राथमिकताएं जो शासन की प्राथमिकताएं वही मेरी प्रथम प्राथमिकताएं रहेंगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, महिलाओं का जो स्व सहायता समूह है उनको जो भी मैं सहयोग कर सकूं वो सहयोग करना, साथ में जो एडमिनिस्ट्रेशन के डे टू डे काम है वो रेगुलरली चलें। किसी भी कॉमन पर्सन को कोई भी सिंपल से सिंपल सुविधा लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी असुविधा ना हो, ये मेरी कोशिश रहेगी। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।